आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। दलित संघर्ष समिति की ओर से शहर बिदर में अंबेडकर सर्कल पर फूलों की मालाएं चढ़ाकर बाबा साहेब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ट्रिब्यूट देते हुए याद किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डीएसएस के स्टेट लीडर रमेश डाकोड़गी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुल्क के संविधान को धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को संविधान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्कूलों और कॉलेजों में भी आरएसएस के नेता विद्यार्थियों में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति झूठी और गलत बातें फैला रहे हैं। डीएसएस दलित संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि मुल्क भर में इस संबंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान को हरगिज़ बदलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब तक देश रहेगा भीमराव अम्बेडकर का नाम संविधान के किसी भी हिस्से से नहीं हटेगा। दलित संघर्ष समिति के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकला है 9 तारीख को। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है कि भारत के संविधान जो एक्सेप्टेड डेट है आज के 26 नवंबर 1949 में जो हुआ, ये संविधान दिवस के नाम के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर को ये संविधान के बाहर रखने की कोशिश की गई। क्यों बोले तो भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर से पूरे जगत को, वर्ल्ड को मालूम है, विश्व को मालूम है, लेकिन यहाँ के संघ परिवार आरएसएस और बीजेपी के लोग ये भारत संविधान आने से पहले ही वेद और उपनिषद के जो टाइम था, जब टाइम पे ही प्रजातंत्र था भारत में, बोल के वो लोग झूठ लिखा है। लेकिन यहाँ का प्रजातंत्र नहीं था, यहाँ पे 500 जिला राजा थे, यहाँ पे पूरा नवाब लोग यहाँ पे राज करते थे और उससे पहले ये नवाब लोगों की ये राजनीति को खत्म करके डेमोक्रेसी जो भारत के संविधान जारी हुआ, संविधान जारी होने के बाद यहाँ पे प्रजातंत्र निर्माण हुए। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो भगवान बुद्ध के काल से, जो बसवण्ण के काल रूप से जो पब्लिक जो डेमोक्रेसी को लाया था, वो डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व के पूरे संविधान पढ़ के एक मजबूत प्रजातंत्र भारत निर्माण के लिए संकल्प करके भारत का संविधान लिखे। लेकिन यहाँ के आरएसएस और बीजेपी के लोग बाबा साहब को धीरे धीरे ये संविधान से मिटाने के लिए वो लोग यहाँ के जनरेशन और स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को गलत इतिहास लिखने के लिए, और गलत ये आरएसएस जो गोलवलकर है और दीनदयाल पंडित है और ये आरएसएस के लोग जो बंच ऑफ द थार्स का जो किताब में वो लिखे है, वही वो प्रजातंत्र बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रजातंत्र नहीं था, जाति व्यवस्था, वो हिंदू समाज में जातिरोहण था, वो जातिरोहण इसमें जाति सिस्टम के अंदर इस समाज था, प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र निर्माण करे सो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। इस बाबा साहब अम्बेडकर का एक कनिष्ठ फोटो लगा के उसको गौरव समर्पित करके उसका जो प्रियम्बल है वो पटा के बाद में संविधान दिवस का आचरण करने का जो आज तक कर गया है। लेकिन आज ये केंद्र सरकार कई किधर में भी एक 4 फुट का ये सर्कुलर है, वो 4 फुट के सर्कुलर में किधर भी बाबा साहब अम्बेडकर नाम मेंशन नहीं किया। इसलिए हम इसके खिलाफ पूरे भारत देश हर जिला को फाड़ के हम प्रतिरोध के रूप में वो बीजेपी और केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक आप लोगों के इसे और 6 दिसंबर को भी बड़े पैमाने पर बेंगलुरु में एक बड़े पैमाने पर है। कौन से संगठन की ओर से? दलित संघर्ष समिति की ओर से। दलित संघर्ष समिति का बड़ा प्रोटेस्ट है बेंगलुरु में 6 दिसंबर को, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आपका नाम? रमेश डाकुड़गी, डीएसएस के स्टेट।